वेलकम टू अताबाल लेक। क्या नजारा है, क्या खूबसूरती है। इस टाइम 0% क्राइम, यहाँ पे क्राइम नहीं है, खुले फिरो, औरतें खुली फिर रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई डांटने वाला नहीं है। हुई हुई हुई। ये क्या जगह है यार, चेक करो। ओए होए, ये 2000 सीढ़ी है जो चढ़ के ऊपर जाना है, चेक करो। हाँ जी, व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उमर मलिक के ब्लॉग। तो आज की कहानी काफ़ी मज़ेदार है क्योंकि इस वक्त हम हुंजा में मौजूद हैं। आपको पता है लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। आज डेट कितनी है जमशेद भाई? 30 तारीख है आज, 30 जुलाई है, ठीक है। और चलास वाली साइड से लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हुई, इस वजह से हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। 3-4 दिन से हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा था, पेट्रोल की वजह से यहाँ पे हम स्टक थे, ठीक है। लेकिन हमने अपना जर्नी स्टार्ट रखा, ठीक है। कल हम रात करके आए हैं खुजरा पास, ठीक है। और हमारे साथ एक बहुत बड़ा मसला हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बचत होगी, ठीक है। और इस वक्त लड़के सारे रेडी हैं, ये देखें जी हमारे सीनियर जमशेद भाई, ठीक है। और ये अब क्या बताऊँ इसका, बस इसको इसकी शक्ल से पहचान ले भाई साहब, अपना ज़रा चेहरा इधर करें, ठीक है। और ये है हमारे अंसर भाई, ठीक है, वो है हमारे चाचू। इनकी एज है 48 ईयर, लेकिन इनके काम बस छोड़ें, क्या बताएं, ठीक है। आज का जो हमारा प्लान है काफ़ी मज़ेदार है, ठीक है। कहाँ पर जा रहे हैं आज, सबसे पहली डेस्टिनेशन अंसर भाई बताएँ? ईगल नेस्ट। दूसरे नंबर पे किधर जाएंगे? आंद्रू। तीसरी अलतत बल, ठीक है। तो आज का हमारा प्लान यह है कि मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, अभी मैं आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह करता हूँ। ये देखिए ये सारा मौसम, ये बादल आए हुए हैं नीचे, ठीक है। सुबह से बारिश हो रही थी, अभी थोड़ा सा आसमान क्लियर हुआ है, ठीक है। और आज का जो हमारा प्लान है कि हम हुंजा के इर्द गिर्द रहेंगे, ताकि हमें अगर अल्लाह ना करे कोई मसला मसायल भी हो तो हमें मतलब कि क्या कोई ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। और इस वजह से हम अलदित बल्डी फोर्ट और ईगल नेस्ट और उसके अलावा एक मज़ेदार जगह है आंद्रू, ठीक है। नाम पहली दफ़ा सुना है, लेकिन जब हमने वीडियो में देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और ये अली भाई का होटल है, ठीक है। जब हुंजा से बाहर निकलेंगे, ये नगज जंगश, क्या नाम है जगह का? गणेश पे ये होटल है, ठीक है। यहाँ पे किए थे कैंप, अभी कैंपिंग की जगह दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने कैंप किए थे, कमरे सारे बुक थे, ठीक है। यहाँ पे हमने कैंप लगा लिए थे, कैंप इसलिए हमने यहाँ पे लगाए क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। और अंडरग्राउंड कैंप बेहतर रहता, ठीक है। बाहर तो बारिश की वजह से खराब हो सकता था काम, ठीक है। और आज हम अपना जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ी देर तक, तो बाकी सब बढ़िया, दुआ में याद रहिए, ठीक है, रखिए। और अभी हम निकलेंगे और बाकी की कहानी आपको ऑन रोड बताएंगे। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का राइड हो चुका चालू। और अभी 3-4 लोकेशन जो मैंने आपको सबसे पहले बताई हैं, उनका इरादा है, देखो। और मौसम का कोई पता नहीं चलता हो, आधे आधे घंटे बाद, 10-10 मिनट बाद मौसम अपनी जो अपनी क्या कहेंगे उसको, अपनी नौयत चेंज करता है, ठीक है। और इस वक्त इंडस रिवर के हालात चेक कर लें, इतना खौफनाक है ना कि क्या बताऊँ। अल्लाह ना करे इसके अंदर को बंदा गिरे तो बच ही नहीं सकता, बचने के चांसेस ही नहीं है। तो भैया राइड चालू हो चुका है, ठीक है। आज मैं आपको तातरी खबर से आगाह करूं कि हम अताबाद लेक तकरीबन जिस दिन से यहाँ पे फंसे हुए ना, तकरीबन 10 से 15 दफ़ा चले गए हैं, ठीक है। और आज फिर अताबाद लेक का नज़ारा, हाय बोर हो जाएंगे नज़ारे देख देख के अताबाद के। यार एक दिन हमने ना यहाँ पे ना एक दिन हमने यहाँ पर की थी एक नाइट कैंपिंग अताबाद लेक के ऊपर, और यहाँ पर मेरा एक नाइकी का जूता और साथ एक चप्पल रहेगी, लेकिन 3 दफ़ा आ चुका हूँ, वो बंदा यहाँ पे नहीं आ रहा। तो जब आएगा तो तभी फिर चलें भाई, नहीं मिले वो बंदा ही नहीं इधर है। तो वो बंदा जब आएगा तो तब देखा जाएगा कि उसके पास है या नहीं है। दुआ तो यही कि मिल जाए यार, इतने अच्छे शूज़ थे। बाकी इस साइड पर अताबाद लेक है, आज काफ़ी बोट वगैरह चल रही हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में आज वो एक पीछे वो अच्छा जो दरमियान में खड़ी हैं, हुए 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 क्या नज़ारा, वो इतना रश लगा हुआ, बहुत ज़्यादा कस्टमर है इनके पास। और यहाँ पे लोग इंजॉय करने के लिए आते हैं, ठीक है। काफ़ी चार्ज करते होंगे यहाँ पे, खैर कोई बात नहीं, हमने कौन सा बैठना है। बाकी यहाँ पे स्वीट टूथ, आइसक्रीम, सैंडविच, पिज़्ज़ा, जो मर्ज़ी खाओ। उमर भाई का रेस्टोरेंट है, ठीक है, ओनर को जानते हैं हम बड़े अच्छे तरीके से। हुए
ये जो नज़ारा ना, सारे पैसे भैया इसी के हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो पशु कौन, ये ब्रिज है, यहाँ से लोग बहुत कैप्चर करते हैं, यहाँ से लोग बहुत सारी पिक्चर ले गए हैं, लेकिन रियल में जो देखने का मज़ा है ना वो अपना ही है। ऊपर बर्फ़ जमी हुई है थोड़ी थोड़ी, और रेड कलर की हैं ये रॉक्स। पशु कौन इनको कहते हैं। और ये पशु का एरिया आ चुका है, और राइड करते करते हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब यहाँ होए 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, मजा के लोग, 0% क्राइम, यहाँ पे क्राइम नहीं है, खुले फिरो, औरतें खुली फिर रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई डांटने वाला नहीं है, बड़े अच्छे लोग हैं, मेहमान नवाज हैं, ज़बरदस्त हैं, शानदार। ये अभी होटल तमीर हो रहा है आप लोगों के लिए। अब इस वक्त गुलमिट में आ चुके हैं हम, ये गुलमिट में आपको नज़र आएंगे ये पशु को, तकरीबन अतवाल लेक से 10 से 15 मिनट का राइड जब आप करेंगे ना तो आपको वहाँ पर नज़र आएंगी। लाहौर से इतना टूरिस्ट आता है कि जब हम चेक पोस्ट पर बैठे थे उसने बोला सबसे ज़्यादा लाहौर से टूरिस्ट आता है। मतलब ये कि लाहौरियों के पास इतना पैसा है कि इतना टूर मारते हैं। अभी ये आ चुका है अटक का पेट्रोल पम्प, मेरे को निशानी पता है, हास मार्ट जो भी है। अभी लगाया इंडिकेटर, लोगों को तो ज़रूरत नहीं, हमें तो ज़रूरत है ना, हम डलवाएँगे जहाँ से पेट्रोल, देखो मिलता या नहीं मिलता। जी तो ये है जी वो गाँव जगह, इसको पता नहीं आंतरू बांतरू कहते हैं जो भी है, ठीक है। इससे ट्रैक निकलता ऊपर, वो जो मेन आंतरू बांतरू वाली जगह, वहाँ से इतना मज़ेदार व्यू आता है ना, पूरा हमजा आपको क्लियर कट ज़बरदस्त नज़र आता है। अभी बाइक धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता दूसरे गियर में ऊपर लेके जा रहा हूँ, चढ़ता जाएगा। लड़के हमारे हो चुके हैं गैब, हमारी नज़रों हो चुके हैं उजल। और अभी चचू ने भी बताया कि आप ऊपर चढ़ने के बजाय सीधा जाते, आप किधर आ गए, समझ रहे हो ना मेरी बात, यहाँ से आपने नीचे उतरना है, राइट साइड को निकलना है, ऊपर नहीं चढ़ना, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे ट्रैक इधर उधर निकल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक आंटी आई हमारे पास, उनसे पूछा कि कुछ खाना है आपने, तो हमने बोला कि हम अभी वो नाश्ता करके आया है, ऊपर से जब आएगा अगर भूख लगा, अगर गंजाइश हुई, तो यहाँ से कुछ ना कुछ खा के जाया जाएगा, फ्रेश जूस मिलेगा आपको। ओहो इतना गंदा ट्रैक, वापसी पर भी बहुत मुश्किल होगा। ओए यहाँ पर उतरना पैदल भी ईजी है, लेकिन कोशिश करेंगे आप। अच्छा तो इस जगह का हमें एक टूरिस्ट ने बताया था, उसने बोला था वो जगह पे जाओ, मज़ा ना आए तो पैसे वापस, तो हम इसलिए यहाँ पे आ गए। ओ भैया इसका तो ट्रैक ही बड़ा मज़ेदार है, तो जगह कैसी होगी। ओए ऑफ रोड है सारा लगता है जी, फिर रास्ता गलत, आगे एंद्रा प्याग या इस तरह का नाम है इस जगह का, और खूबसूरत विलेज है। हाँ जी उस्ताद जी, गलत रास्ता हो गया फिर, अब यहाँ पे बाइक का पार करने। अभी जी आंद्रा प्याग ये सिटी है, यहाँ पे हमने बाइक पार की है, वो पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये उसकी, यहाँ से हाइकिंग करके ऊपर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा है, ठीक है। एक आंटी रहती है यहाँ पे, मैंने उनसे पूछा कि हमारी बाइक यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, तो इनको कोई मसला नहीं। उन्होंने बोला कि इधर चोर नहीं है, मतलब उनका कि यहाँ पे 0% क्राइम है और यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं होता। ओहो क्या मज़ेदार ट्रैक है यार, आज मज़ा आने वाला है, ठीक है। ये हमें एक टूरिस्ट ने जगह सजेस्ट की थी, बोला था कि यहाँ पे जाओ अगर पैसे पूरे ना हो गए तो मुझे कहना, ठीक है। और यहाँ पे 2000 सीढ़ियाँ, ओए ओए कितना खूबसूरत मंजर, अभी दिखाता हूँ आपको, ट्रैक चेक करो, वाह ये ट्रैक है जी ऊपर को जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ना 2000 सीढ़ी है जो क्रॉस करके ऊपर जाएंगे, और वहाँ पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त व्यू मिलेगा। ओए ओए यहाँ पे तो शांति है बहुत ज़्यादा, आंद्रा प्याग जगह का नाम नोट कर लो, आंद्रा प्याग। अभी आपको यहाँ से मज़ेदार व्यू दिखाना स्टार्ट करूँगा, यहाँ से हम आए, ये चेक करें, ओए 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 वाह वाह, ओए मैंने किधर जाना है, ये भी रास्ता निकलता है, ये किधर, कन्फ्यूज हो गया, इधर से जाता हूँ। ओए ओए मैं थोड़ा नहीं सही जा रहा हूँ लगता है, हाँ वो रास्ता जा रहा हूँ, ये सीढ़ियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। ओए होए होए क्या जगह है यार, चेक करो, ओए होए ओए होए क्या सुकून है, क्या खामोशी है यहाँ पे यार, अभी जी
ये 2000 सीढ़ी है जो चढ़ के ऊपर जाना है, चेक करो। ये सीढ़ी है 2000 है, ठीक है। जैसे जैसे हुए 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 माशाल्लाह यहाँ से नज़ारे देखो। ओए होए होए यहाँ से खुशबुएं आ रही हैं। चेक करो भाइयों, जेलस नहीं होने का। बहुत ही टूरिस्ट जा रहे हैं ऊपर। ईगल नेस्ट है मेरे ख्याल में, ये गांव है ये वाला जहाँ से मैं। ओए होए इधर का नज़ारा देखो भाइयों, ओ वाह वो अथवा लेक नजर आ रही है। ओए होए क्या बात है भाई, ऊपर और मजेदार व्यू आएगा। कभी मैं शायर कभी गहरी बातों में माहिर, कभी मैं शोला कभी मैं खाक में सोया हुआ ख्वाबों की धूप, कभी तू राही कभी तू आई और फिर चली गई, कभी तू मौसम और कभी बादल से मस्ती। चेहरे मिटने लगे हैं जलने लगे हैं, मैं कौन हूँ। हाँ जी भैया, इंदिरा प्यार बड़ी मेहनत के बाद और तकरीबन 15 से 20 मिनट की हैकिंग है। ऑफ रोड तो आपने देख लिया कितना है, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे मज़ेदार व्यू मुझे लगा ना वो अभी आपको दिखाता हूँ। ओवरऑल आपके लिए सरप्राइज है, चेक करें कैसा ये। और यहाँ पे मैं बताऊँ वो सामने पशुकोन लेक और ये सामने इतनी अच्छी वैली है, दिल को सुकून मिलता सीधा, चेक करो। और अभी आपको वैली का नज़ारा कराता हूँ। ये वैली चेक करें जो है, इसको कहते हैं इंदिरा प्याग, ये चेक करें। ओए होए होए ओए होए होए वो सामने मेरे पीछे आपको पशु को नज़र आ रही होंगी। और अभी एक और सरप्राइज़ आपके लिए, अभी आपको गुलमत दिखाना है, ऐसी जगह से आप खुद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमें भी ये किसी ने गाइड किया कि यहाँ पे जाएं मज़ा आएगा, तो वाकई में मज़ा आया यार ऐसी जगह पे। ठंड पड़ गई सीने। और अभी कभी मैं शायर कभी गहरी बातों में माहिर, कभी मैं शोला कभी मैं खाक में सोया हुआ ख्वाबों की धूप, अब
अभी जी लोकेशन नंबर जो दो मैंने आपको दिखाना है, यहाँ से नज़र आता है गुलमिट सिटी, छोटा सा शहर है, छोटा सा एक गांव है, और इतना खूबसूरत नज़ारा। इस साइड पे ईगल नेस्ट, इस साइड पे ये देखो, इस साइड पे ईगल नेस्ट और इस साइड पे पशु कौन, और यहाँ पे जो नज़ारा ना आपकी जान ले लेगा। ओए होए होए, चेक करो, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखो जी ये ट्रैक जा रहा है ऊपर, और ये चेक करें, ओए होए वो सामने आ रही है तबाद लेक नज़र, और ये ऊपर वो ब्रिज नज़र आ रहा है तबादला लेक वाला, और ये चेक करें, और और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बाकी सब बढ़िया है, बस होगी प्यास बोल लग चुकी है। ठीक है, इसी तरह हमारे वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, तो हम इस तरह आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहेंगे। क्या कहूँ, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब, ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन, अब रिकॉर्ड किया सेट फास्टेस्ट।